फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों को पता चल ही गया है कि कैपलर ने टाइको ब्राहे सर का डाटा जो है उसको यूज करके ये दुनिया को बताया कि जितने भी पुराने मॉडल्स हैं सोलर सिस्टम के, जिसमें सर्कुलर पाथ दिखाया गया प्लैनेट्स का, असल में ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे एलिप्टिकल पाथ में चक्कर काटते हैं सन के चारों ओर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मार्स, क्योंकि मार्स के कैलकुलेशन से ही पता चला कि जो पाथ है वो बेसिकली इलेप्टिकल है। अब ये बात तो हो गई, देखिए इलेप्टिकल पाथ पता चल गया, लेकिन क्या है कि अब कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ एक चीज थोड़ी आती है कि यहाँ पर पाथ कैसा है या फिर कितना टाइम पीरियड लग रहा है। टाइम पता है, पाथ पता है। अब इसके बाद जो है, कैपलर ने उसी डाटा का यूज करते हुए एक और चीज है जिसके ऊपर रिसर्च की, वो था उस प्लैनेट का डिस्टेंस और उसका टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो। कहने का मतलब है, एक इलेप्टिकल पाथ में हमें साफ साफ दिखाई दिखाई देता है कि जो सूर्य है यानी कि सन है, वो इलेप्टिकल पाथ के किसी एक कोने में, मतलब एक साइड में है, और दूसरे साइड से वो पाथ थोड़ा दूरी हो जाती है उसकी, मतलब ये लेंथ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके अंदर पता ये था, करना था कि किस तरीके से मार्स या फिर दूसरे प्लैनेट्स जो है वो बेसिकली चक्कर काटते हैं, और क्या प्रभाव पड़ता है सूर्य के पास आने पर उसके ऊपर, और सूर्य से दूर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली बहुत सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँ, यही है, यहीं से निकल के आता है कैप्लर का दूसरा लॉ, कि उन्होंने मार्स की जो है इसी पाथ के ऊपर दो पोजीशन ली। मान लीजिए एक पोजीशन तो ये है और दूसरी पोजीशन ये है। अब इनका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, देखिए अगर एक पोजीशन ये है तो दूसरी पोजीशन ये है, तो ये इसके बीच का एरिया हो गया, ठीक है। अब ये जो एरिया है बेसिकली, और इसने क्या है, एक दूसरी पोजीशन ली जहां पे जो मार्स यहां पर है और दूसरा मार्स यहां पर है, और ये वाला एरिया दूसरा निकाला, यानी कि ए वन और ए टू दो एरियाज निकाल के दिखे दिखाए। अब ये जो दोनों एरियाज हैं, इन दोनों को कवर करने का टाइम पीरियड एक ही था। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों जो एरियाज हैं वो बेसिकली इन दोनों को कवर करने का टाइम पीरियड एक ही था, यानी कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ होगा। देखिए बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन निकल के आई थी कि जब जो मार्स है, जब वो चक्कर काटता है सूर्य के इस इलेप्टिकल पाथ के अंदर, जब वो सूर्य से दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता लंबा है और ये जो एरिया है वो खिंच जाता है। अगर आप देख सकते हैं, एरिया चौड़ाई में कम है, यानी कि इसकी विड्थ कम है, लेकिन इसकी लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी क्या है जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य से दूर होने की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती हो, इसको ऐसा भी माना जा सकता है। लेकिन ये तो हो सकता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसको कर्व सोलर सिस्टम कहते हैं, उसके साइज पे भी डिपेंड कर सकता है, मतलब किस तरीके की पोजीशन है, टेढ़ा है, सीधा है, कुछ कह नहीं सकते। वहीं अगर ये मार्स जो है वो सूर्य के पास आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। यहां पर कहने का मतलब यही है कि ये जो दो एरियाज हैं, ये दोनों एरियाज हैं बराबर, ये हैं बराबर, और ये मतलब इन दोनों का हो सकता है कि आकार अलग अलग हो, जिसको कह सकते हैं शेप अलग अलग हो, लेकिन इन दोनों को कवर करने का टाइम पीरियड एक है, यानी कि ये दोनों एरिया बराबर निकल के आते हैं। और यहीं से कैप्लर का ये दूसरा नियम हमारे सामने निकल के आता है, जो कि स्टेट करता है कि ये हमारा जो ये जो हमारे सन और प्लैनेट के बीच की जो लाइन है वो, उसमें जो एरिया है वो एक फिक्स टाइम पीरियड में स्वीप करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ये दो दो एरियाज हैं, जितना टाइम इस एरिया को कवर करने में लगा है उतना ही टाइम इस एरिया को कवर करने में लगेगा, और इस बीच जो प्लैनेट की स्पीड है वो सन के पास आते तो बढ़ जाती है, और प्लैनेट और हमारे सन से दूर जाते हुए प्लैनेट की स्पीड घट जाती है। और यही सबसे बड़ा सवाल था कैप्लर के सामने कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दूर जाता है सन तो बढ़ जाती है, दूर जाता है तो घट जाती है स्पीड, और पास आता है जब सन के तो बढ़ जाती है। दैट वाज द क्वेश्चन। और यही जो चीज थी वो बाकी प्लैनेट्स पे भी हो रही थी। अब देखिए, जो एनर्जी वाला मैंने आपको बताया, फंडा की एनर्जी बढ़ जाती है सन के पास आने के बाद, ये हो सकता है, ये एक अनुमान है, बाकी इसको पूरी तरीके से कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये हो जाता है कैप्लर का सेकंड लॉ। और साथ ही मैं इसके चीज में एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि ये जो चीज है एक और चीज को डिस्क्राइब करती है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमें मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी का रोटेशनल मोशन है जो कि कंजर्व्ड रहता है
उसकी पहली और आखिरी पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पर भी जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि घूम रहे हैं, जैसे कि मार्स है वो घूम रहा है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो एरिया ये कवर कर रहा है वो काफ़ी स्पीड से कवर कर रहा है, और यहाँ एरिया जो कवर कर रहा है वो बहुत धीरे धीरे कवर कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो दोनों एरियाज हैं वो बेसिकली हैं कॉन्स्टेंट, उनका टाइम जो है वो फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब इनका जो मोमेंटम है वो भी फिक्स रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले एक एग्जांपल लिया था एंगुलर मोमेंटम के लिए कि एक डांसर जो है जब अपना पैर को इस तरीके से अंदर कर लेता है तब वो तेज घूमने लगता है, जैसा कि सन के पास जाते ही प्लैनेट तेज गति करने लगता है, उसी तरीके से जब वो अपने पैर खोल लेता है कुछ इस तरीके से, तो वो मैं आपको बताऊं बहुत धीरे धीरे, मतलब उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी घट जाएगी, जिस तरीके से मार्स की स्पीड सन से दूर जाने पे घट जाएगी। इन दोनों को आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये है कैपलर का सेकेंड लॉ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। और ये एक्लिप्स, ये एलिप्स, अगर ये एलिप्स पाथ नहीं होता और सर्कुलर पाथ होता तो ये वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, तब इनकी जो वेलोसिटी होती वो बराबर ही चलती। जैसे कि हमें पता है कि ये एक फिक्स शेप है, तो फिक्स शेप पे फिक्स वेलोसिटी होती। यहां पर जो ये फिक्स शेप, ये भी है फिक्स, लेकिन इसमें क्या है, सूर्य एक कोने पर है, तो एक बार प्लैनेट को क्या है सूर्य के करीब आना पड़ेगा और एक बार उससे दूर जाना पड़ेगा, तो दोनों में फर्क यही है। तो इस फर्क को ध्यान में रखना है हमें और समझना है कि जो वेलोसिटी का फंडा है यहाँ पे कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी, और उस तरीके से हमारा जो एंगुलर मोमेंट है वो किस तरीके से कंजर्व्ड है। तो फ्रेंड्स, ये है कैपलर का सेकंड लॉ, इसे बार बार देखिए, बार बार समझिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो प्लीज़ हमसे पूछिए, और कोई गलती हुई है तो प्लीज़ आप हमें बताइए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रहेगी और आपके लिए वीडियो समझ में भी आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।